हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेक्स्ट एपिसोड में। मैं हूं शोभित, आप देख रहे हैं एमएस व्लॉगर यूट्यूब चैनल। आज के इस एपिसोड में मैं केदारनाथ धाम से गौरीकुंड सोनप्रयाग तक जाऊंगा और रास्ते का सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। जो कुछ चीज़ें मैं पहले ट्रैकिंग एपिसोड में नहीं दिखा पाया था, वो सारी चीज़ें इस एपिसोड में कवर करने वाला हूँ। तो इस एपिसोड को भी पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय बाबा केदारनाथ लिख दीजिए। तो चलते हैं केदारनाथ बाबा धाम से नीचे सोनप्रयाग की ओर। इस साल मैंने ऑब्जर्व किया कि बाबा केदारनाथ धाम में प्रसाद की शॉप पहले की अपेक्षा कुछ ज़्यादा ओपन हो चुकी है। इसके साथ साथ ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के लिए भी कुछ नए ढाबे ओपन हो चुके हैं, जो यात्रियों के लिए बेहद सुविधाजनक रहेगा। हमारी इस यात्रा की सबसे खास बात ये रही कि वेदर पूरी तरह से क्लियर रहा, जिसकी वजह से हमें केदारनाथ धाम में बेहद खूबसूरत नज़ारे देखने के लिए मिले। अभी हम बाबा केदारनाथ धाम के ये अंतिम दर्शन कर रहे हैं, उसके बाद हम नीचे गौरीकुंड की ओर रवाना हो जाएंगे। तो यहाँ चल रहा है स्वामी रामानंद क्षेत्र भंडारा। दोबारा फिर ले लीजिए माता जी, ना बर्बाद नहीं। श्री केदारनाथ भगवान की जय, जय श्री राम। दोबारा फिर ले लीजिए, बर्बाद नहीं। भैया दोबारा फिर ले लेंगे। जी 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 जी। तो अभी हम भंडारे में आए हुए हैं, यहाँ भंडारा चल रहा था, श्री रामानंद स्वामी जी का भंडारा है। श्री रामानंद स्वामी जी का भंडारा यहाँ हमेशा चलता रहता है, तो भंडारे का प्रसाद ग्रहण करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये ताल देख रहे हो आप लोग, मई के महीने में आया था मैं 2019 में, पूरी तरह से बर्फ़ में तब्दील थी। आज अक्टूबर 2020 में तो पूरी तरह से यहाँ पानी नज़र आ रहा है, वरना तो यह बर्फ़ में ही डूबी रहती है। और ये पूरी घाटी, पूरे पहाड़ सब बर्फ़ से ढके रहते हैं अगर आप मई या जून में आते हैं। फ़िलहाल तो बर्फ़ यहाँ देखने के लिए नहीं मिली, ऊपर वहाँ ग्लेशियर थे, लेकिन यात्रा बहुत अच्छी रही। वापस जा रहे हैं हम नीचे की तरफ गौरीकुंड सोनप्रयाग की ओर, बहुत जाएंगे। लेकिन ये ताल बहुत खूबसूरत लग रही है आज। ये वो हेलीकॉप्टर है जो साल 2013 में आई आपदा के दौरान क्रैश हो गया था, आज भी ये मलबा यहीं पे पड़ा हुआ है। हेलीकॉप्टर का इंजन बहुत खतरनाक, वो आपदा थी। यह है घोड़ा स्टैंड केदारनाथ धाम का। अगर आप घोड़े से आते हैं नीचे से गौरीकुंड से, तो यहीं पे आपको ड्रॉप कर दिया जाएगा, उसके बाद आपको पैदल करीब 1.5 किलोमीटर जाना होगा। वापस आते वक्त एक ग्लेशियर देखने के लिए मिला है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे, काफ़ी बड़ा ग्लेशियर, अब तो पिघल चुका है, इसलिए छोटा है,
लेकिन ये ग्लेशियर इतना बड़ा था कि इस पूरे रास्ते को कवर करते हुए नीचे तक जा रहा था। आप नीचे का भी देख सकते हैं नज़ारा, यहाँ तक सब ग्लेशियर हुआ करते थे, लेकिन अभी तो पिघल गया है काफ़ी अच्छा। अक्टूबर के महीने में यहाँ मौजूद हूँ, मई में आता जून में आता तो बहुत बड़ा ग्लेशियर देखने के लिए मिलने वाला था। नेक्स्ट ईयर देखेंगे, फिर आएंगे। वापस आते वक्त एक और ग्लेशियर देखने के लिए मिल रहा है। ये ग्लेशियर पहले वाले ग्लेशियर के कंपैरिजन में बड़ा है, बहुत ऊपर से आ रहा है। वाकई बहुत खूबसूरत नज़ारे देखने के लिए मिल रहे हैं। अगर आप केदारनाथ धाम आना चाहते हैं साल 2020 में तो 16 नवंबर तक कपाट खुले रहेंगे, आ सकते हैं। यात्रा इस साल बहुत अच्छी होगी आपकी, दर्शन भी अच्छे होंगे। फ़िलहाल आप इस ग्लेशियर को देखिए, बेहद खूबसूरत है। तो अभी मौजूद हूँ मैं लंचोली में। अगर आप केदारनाथ यात्रा पर आते हैं अभी इस वक्त 2020 की मैं बात कर रहा हूँ, तो लंचोली में आपकी थर्मल स्कैनिंग की जाएगी यहाँ पे, उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। सिंपल सा प्रोसेस है, यात्रा रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन करा लीजिए, उसके बाद बेफिक्र आप आ जाइए। बस प्रॉब्लम ये है, अगर आपको फीवर है और वो उनके थर्मल स्कैनिंग में आता है फीवर, तो आपको फिर कोरोना टेस्ट कराना होगा आपके खुद के पैसों से। लेकिन अगर सब कुछ नॉर्मल है आप बाबा केदारनाथ की यात्रा पर जा सकते हैं। जय बाबा केदार, हर हर महादेव। तो यहाँ नींबू पानी पीने के लिए रुके थे, थोड़ी एनर्जी आई है नींबू पानी पीने के बाद। 30 रुपये का एक गिलास मिला है, लेकिन अच्छा था, जलजीरा उसमें मिला हुआ था। यहाँ से दिया भैया की शॉप से। ये पूरा रामबाड़ा है जो आप देख पा रहे हैं। यहाँ 2013 से पहले बहुत बड़ा मार्केट, होटल, सब कुछ थे, लेकिन 2013 की उस आपदा के बाद एक रात पे सब ख़त्म हो गया। आगे से पुल के पास जाके मैं आपको दिखाऊंगा पूरा रामबाड़ा। फाइनली रामबाड़ा पहुँच चुके हैं। यहाँ से केदारनाथ धाम की दूरी करीब रह जाती है 9 किलोमीटर। रामबाड़ा से केदारनाथ धाम की जो दूरी है 9 किलोमीटर, यहाँ पर चढ़ाई बहुत ज़्यादा स्टीप है, बहुत टफ है ये चढ़ाई। 2013 से पहले बहुत ज़्यादा आबादी थी, बहुत ज़्यादा होटल थे, मार्केट हुआ करता था, लेकिन 2013 की आपदा के बाद सब यही को रामबाड़ा है। और आप देख सकते हैं शहर हुआ करता था, कस्बा हुआ करता था, लेकिन आज पूरी तरह से मंदाकिनी नदी के आगोश में। पूरी ट्रैकिंग के दौरान या कह लीजिए पूरी यात्रा के दौरान मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि रास्ते में जितने भी पड़ाव हैं वहाँ पर फ्री वाईफाई की फैसिलिटी अवेलेबल है। यहाँ तक कि केदारनाथ मंदिर में भी फ्री वाईफाई अवेलेबल है और नेट की स्पीड भी काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा मोबाइल नेटवर्क की अगर मैं बात करूँ तो जियो का नेटवर्क और एयरटेल का नेटवर्क बखूबी पूरे रास्ते वर्क कर रहा था।
जय भोले की, हर हर महादेव। मौजूद हूँ मैं केदारनाथ ट्रैक पर। यहाँ एक बहुत सुंदर सा वाटरफॉल देखने के लिए मिल रहा है। केदारनाथ ट्रैक पर नए नए वाटरफॉल इस बार देखने के लिए मिले। साल 2019 में जब मैं आया था तो ऐसे वाटरफॉल बहुत कम थे, लेकिन इस बार इस पूरे ट्रैक में बहुत सारे नए नए वाटरफॉल देखने के लिए मिल रहे हैं। बहुत एंटरटेनिंग ये जर्नी है। 16 किलोमीटर का जो ट्रैक है, बहुत सुंदर सुंदर बहुत अच्छे व्यूज़ आपको देखने के लिए मिलेंगे। उनमें से एक है ये वाटरफॉल। खूबसूरती देखिए आप इस वाटरफॉल की, एंजॉय कीजिए। मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। भीमबली में भी एकोमोडेशन है, 250 रुपये पर बेड और हट का चार्ज है 500 रुपये। कुंड यहाँ से रह गया है 6 किलोमीटर। ये देखो कितना छोटा सा रास्ता रह गया है लैंडस्लाइड की वजह से। तो अभी जंगल चट्टी रुके हैं चाय नाश्ता करने के लिए, थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। गौरीकुंड यहाँ से 4 किलोमीटर है, 12 किलोमीटर का ट्रैक करके आ गए हैं। टाइम हो रहा है 4 बजने वाले, 1 घंटे में गौरीकुंड भी पहुँच जाएंगे। उसके बाद सोनप्रयाग जाएंगे जीप से, फिर टिकट बुक करना है हरिद्वार का। दिखाएंगे आपको कैसे आप जा सकते हैं। फिलहाल ब्रेकफास्ट करना है। ये कैबिन है, ये है सोनप्रयाग का बस बुकिंग काउंटर। यहाँ से हरिद्वार और देहरादून के लिए बस बुक कर सकते हैं। एक दिन पहले बुकिंग करनी होगी, नेक्स्ट डे आपकी बस होगी। भैया यहाँ बैठते हैं, वो बुकिंग कर रहे हैं। हम लोग 2 टिकट बुक करा रहे हैं हरिद्वार के। प्री बुकिंग कराना बेस्ट है, क्योंकि अगर मॉर्निंग में आप आओगे तो सीट मिलना नामुमकिन है। तो प्री बुकिंग करा लो बेस्ट है। फाइनली ट्रैक को पूरा करने के बाद सोनप्रयाग होटल में आ चुका हूँ। ये वही होटल है जिसमें पहले रुके थे, उसी में एक दूसरा रूम बुक कर लिया था फ़ोन पर ही। और
केदारनाथ से सोनप्रयाग तक का ये सफ़र आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। प्रकृति की खूबसूरती आपको कैसी लगी कमेंट कीजिए, आपके कमेंट का बहुत इंतज़ार रहता है मुझे, मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ, रिप्लाई भी देता हूँ, अगर रिप्लाई वाला कमेंट है तो ज़रूर रिप्लाई देता हूँ। कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इंस्टाग्राम पर भी अब आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सोनप्रयाग से हरिद्वार के लिए जो बसेस हैं उसकी भी बुकिंग मैंने आज ही कर ली है, कल सुबह 5:30 बजे बस है तो जल्दी उठना पड़ेगा हरिद्वार जाने के लिए। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, होप करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक ज़रूर कर दीजिए अगर यहाँ तक देखा है तो, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ का एक बार जयकारा ज़रूर लगाइए। बाय।